हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का, या यूं कहूं समर स्लैम से पहले आखिरी रॉक के एपिसोड का। रॉक का ये एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वीक के रॉक के एपिसोड में काफी एक्शन हमें देखने को मिला था, जिसके बाद फैंस इसका काफी वेट कर रहे हैं। और WWE ने इस एपिसोड के लिए अभी तक पहले से कुछ भी अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट हमें इस वीडियो में नजर डालेंगे कि आने वाले इस एपिसोड में हमें क्या क्या दिखने वाला है और दिख सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें वुमेन्स डिवीजन से, तो अभी तक समर स्लैम PPV के लिए वुमेन टैग टीम मैच का ऐलान नहीं हुआ है और ना ही इसके लिए कोई फ्यूड दिख रही है। वहीं WWE इस डिवीजन में फॉर्मेलिटी करते हुए समर स्लैम के लिए मैच अनाउंस कर सकती है, जो कि फैटल फोर वे मैच होगा, जिसमें चार टीमें पार्ट लेंगी, जो कि फैटल फोर वे एलिमिनेशन मैच हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रसलमेनिया 35 के बाद से इस टाइटल को लेके अभी तक अच्छी फ्यूड नहीं दिखाई दी है। अब बात आती है रॉ वुमेन्स चैंपियन बैकी लिंच की, तो उनका समर स्लैम के लिए मैच नटालिया के साथ फिक्स है। वहीं लास्ट वीक जब बैकी लिंच अलेक्सा ब्लिस और क्रॉस के खिलाफ मैच लड़ रही थी और जीतने के बाद उन पर आके नटालिया ने अटैक करा था, वहीं से एपिसोड में बैकी लिंच लास्ट वीक का बदला जरूर लेंगी और यही वजह रहेगी कि इन दोनों के बीच हमें झड़प भी देखने को मिल सकती है। इन दोनों के बीच हो सकता है अलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस भी शामिल होती दिखाई दें, वो इसलिए क्योंकि अलेक्सा ब्लिस ने लास्ट वीक बैकी लिंच पर पीछे से अटैक करा था। वहीं इन दोनों के मैच में बड़ी स्टिपुलेशन ऐड करी जा सकती है, जो शायद सबमिशन ओनली मैच हो। अब बात कर लेते हैं रॉ टैग टीम टाइटल की, तो चैंपियन अब OC हैं और रिवाइवल अपना टाइटल हार चुके हैं। वहीं अब सवाल है कि OC का मैच समर स्लैम में किसके साथ दिखने वाला है। वहीं लास्ट वीक OC ने समोआ जो के साथ मिलकर रोमन रेंज और उसोस पर अटैक भी करा था, जिसके बाद कंफ्यूजन अभी तक है कि OC का मैच होगा किसके साथ, या तो जिसके बाद कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है कि OC का मैच होगा किसके साथ, या तो OC वर्सेस रिवाइवल के बीच मैच होगा, या फिर से इनके बीच हमें ट्रिपल टैग टीम मैच होता हुआ दिखाई देगा जिसमें इन दोनों के साथ उसोस भी शामिल होगा, और शायद ऐसा इस एपिसोड में हमें होता दिख भी जाए। वहीं जैसा कि लास्ट वीक हमने देखा था कि माइक ने 24/7 टाइटल जीता और उसके बाद बैक स्टेज वो खुद अपनी वाइफ मारिया के कहने पर पिन हो गए थे और चैंपियन मारिया बन गई थी। वहीं अब आने वाले इस एपिसोड में काफी हद तक उम्मीद है कि मारिया को या तो कार्मेला पिन करेंगी या रेने मैवरिक की वाइफ पिन करेंगी। अब इसमें आर्ट्रूथ डॉक्टर से मारिया को एक सेफ पोजिशन में करने की बात कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और एक सेफ पोजिशन में आसानी से पिन कर जा सकते हैं ताकि मारिया को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं चांस ऐसे भी हैं कि आर्ट्रूथ और कार्मेला डॉक्टर की ड्रेस में जाके मारिया को पिन कर लें और कार्मेला बन जाए चैंपियन। जैसा कि लास्ट वीक हमने देखा था कि गॉन्टलेट मैच में विनर रिकोशे बने थे और अब वो फेस करने वाले हैं समर स्लैम में US चैंपियन AJ स्टाइल्स को। एक तरह से उनका ये रीमैच ही मिला है टाइटल हारने के बाद। वहीं इस एपिसोड में काफी हद तक उम्मीद है कि AJ स्टाइल्स रिकोशे पर अटैक करेंगे। अब ये हो सकता है तब हो जब रिकोशे रिंग में अपना प्रोमो वगैरह दे रहे हों। ऐसा होना बनता भी है क्योंकि WWE ने इस मैच को काफी लेट अनाउंस करा है और इनके बीच थोड़ी हीट बढ़ाने की जरूरत भी है, तो ऐसा होता हमें दिख सकता है। वहीं अब बात आती है लास्ट वीक स्मैकडाउन में हुए रोमन रेंज पे बैक स्टेज अटैक की, तो उसमें भी एक बड़ा खुलासा होता हुआ मैं देख सकता है। WWE सुपरस्टार से इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने करा था। वहीं WWE ने इस पर स्टेटमेंट देके कहा था कि ये एक ड्राइवर की गलती से हुआ था। अब ऐसा शायद इस वजह से भी हो सकता है कि WWE इस स्टोरी लाइन को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रख रही हो और जल्द ही रोमन रेंज का मैच समोआ जो के साथ अनाउंस कर दे समर स्लैम के लिए और रोमन रेंज की स्टोरी लाइन समर स्लैम के बाद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, या एक बार फिर हमें रोमन रेंज पर ऐसा ही अटैक होता दिख सकता है बैक स्टेज। अब एक्साइटिंग बात यह है कि WWE ने ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस दोनों को इस एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया हुआ है। इस सेगमेंट के लिए फैंस काफी एक्साइटेड होंगे। अब सेथ रॉलिंस कितने इंजर्ड हैं इस पर WWE ने कुछ अपडेट नहीं दी है, तो देखना यह होगा कि इस एपिसोड को सेथ रॉलिंस कैसे हेडलाइन करते हैं। वहीं हो सकता है कि ये दोनों इस एपिसोड में फिर से आमने सामने आए, बट ज्यादा बड़ा इनके बीच कुछ होने से पहले ही सिक्योरिटी आके इन्हें रोके जो पिट जाए और फिर आके रॉ के सुपरस्टार इन दोनों के बीच कुछ होने से रोक दें, या सेथ रॉलिंस की तरफ से पलटवार देखने को मिल सकता है, या शायद बैकी लिंच इन्वॉल्व होती हमें दिख सकती हैं अगर सेथ रॉलिंस में मार पड़ती है तभी। वहीं रूमर्स ऐसे भी हैं कि शायद इस मैच में कोई सरप्राइज WWE ऐड कर दे समर स्लैम के लिए। वहीं समर स्लैम PPV को बड़े बड़े सुपरस्टार मिस करने वाले हैं, जो कि वाकई शॉकिंग है। अब देखते हैं इस एपिसोड में WWE और कितने मैच बुक करती है समर स्लैम PPV के लिए। तो ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ ऐसा हुई होता हमें दिखने वाला है इस एपिसोड में। अब हो सकता है लास्ट वीक की तरह ज्यादा कुछ एक्शन देखने को ना मिल पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।